हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रॉक लेसनर और केन वेलास्केस को कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा सुपरस्टार कौन है। वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन है बेस्ट, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ब्रॉक लेसनर का पूरा नाम है ब्रॉक एडवर्ड लेसनर और उनका जन्म 12 जुलाई 1977 को हुआ था। ब्रॉक लेसनर की उम्र 2019 में 42 साल हो चुकी है। केन का असली नाम केन वेलास्केस ही है और उनका जन्म 28 जुलाई 1982 को हुआ था। केन वेलास्केस की उम्र 2019 में 37 साल हो चुकी है, यानी कि ब्रॉक लेसनर केन से 5 साल बड़े हैं। केन वेलास्केस की हाइट है 6 फीट 1 इंच और उनका वेट है 112 किलोग्राम। केन के चेस्ट का साइज है 48 इंच और उनके बाइसेप का साइज है 19 इंच। और वहीं ब्रॉक लेसनर की हाइट है 6 फीट 3 इंच और उनका वेट है 130 किलोग्राम। ब्रॉक लेसनर के चेस्ट का साइज है 53 इंच और उनके बाइसेप का साइज है 21 इंच। मतलब अगर साइज में देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर केन वेलास्केस से ज्यादा है। ब्रॉक लेसनर ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में साल 2006 में डेब्यू दिया और वो उनके पहले मैच में जीत गए मिन्सो किम नाम के फाइटर को हराकर। और केन वेलास्केस ने भी मिक्स मार्शल आर्ट्स में साल 2006 में डेब्यू दिया और वो भी उनके पहले मैच में जीत गए जेसी नाम के फाइटर को हराकर। केन वेलास्केस ने यूएफसी में साल 2008 में डेब्यू दिया और वो उनकी पहली फाइट में अपोनेंट को टोटल नॉकआउट करके जीत भी गए थे। लेकिन जब साल 2007 में ब्रॉक लेसनर ने यूएफसी में डेब्यू दिया तो वो उनके पहले मैच में हार गए थे फ्रैंक मीर नाम के फाइटर से। ब्रॉक लेसनर ने यूएफसी में अभी तक 9 मैचेस में फाइट किए हैं, जिसमें से उन्होंने 5 मैच जीते हैं और 3 मैच में वो हारे हैं और 1 मैच को यूएफसी ने नो कॉन्टेस्ट अनाउंस कर दिया है। और वहीं केन वेलास्केस ने अभी तक यूएफसी में 17 मैचेस में फाइट किए हैं, जिसमें से उन्होंने 14 मैचेस जीते हैं और सिर्फ 3 मैच में वो हारे हैं। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर और केन वेलास्केस का यूएफसी में मैच हुआ था 23 अक्टूबर 2010 को यूएफसी हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए और केन वेलास्केस ने फर्स्ट ही राउंड में ब्रॉक लेसनर को टोटल नॉकआउट करके हरा दिया और वो बन गए यूएफसी के हेवीवेट चैंपियन। और इसके बाद इन दोनों का यूएफसी में कभी भी मैच नहीं हुआ। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने यूएफसी हेवीवेट चैंपियनशिप 1 बार जीता है, पर केन वेलास्केस ने यूएफसी हेवीवेट टाइटल 2 बार जीता है। लेकिन ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूएफबी में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप 8 बार जीत चुके हैं और क्योंकि केन वेलास्केस इसी साल प्रोफेशनल रेसलिंग में आए हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई भी टाइटल नहीं जीता है। पिछले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कोफी किंगस्टन को हराने के बाद ब्रॉक लेसनर न्यू डब्ल्यूएफबी चैंपियन बन गए। लेकिन रे मिस्टीरियो ब्रॉक लेसनर के मैच के बाद केन वेलास्केस को लेकर आए ब्रॉक लेसनर से बदला लेने के लिए और ब्रॉक लेसनर को पहली बार घबराते हुए देखा गया और केन ने रिंग में आकर ब्रॉक लेसनर पर अटैक कर दिया। दोस्तों, इतना कंफर्म है कि डब्ल्यूएफबी इन दोनों का जल्दी मैच करवाने वाले हैं। तो अब आप भी कमेंट्स बताइए कि इन दोनों का मैच हुआ तो कौन जीतेगा। ब्रॉक लेसनर की वाइफ का नाम है सेबल, जिनसे उन्होंने साल 2006 में शादी की थी, और केन वेलास्केस की वाइफ का नाम है मिशेल और उनकी शादी साल 2011 में हुई थी। ब्रॉक लेसनर का नेटवर्थ है $22 मिलियन जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 155,81,61,000 रुपए और केन वेलास्केस का नेटवर्थ है $5 मिलियन जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 35,61,62,500 रुपए। तो दोस्तों, ये था ब्रॉक लेसनर और केन वेलास्केस का फुल कंपैरिजन। अब आप ही तय करिए कि इन दोनों में से कौन है बेस्ट और कमेंट में मुझे ये बताएं कि आप अगला कंपैरिजन वीडियो कौन से 2 सुपरस्टार की देखना पसंद करोगे। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।